हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये सिंपल सा मेकअप लुक जो मैंने किया है, ये टीनेजर्स गर्ल्स के लिए है, फेस्टिव लुक है। दोस्तों, आप रक्षाबंधन पे या किसी भी फेस्टिवल में इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसे करने के लिए अब मैं अपने चेहरे को थोड़ा सा गुलाब जल से टोन कर ले रही हूँ। जब गुलाब जल सूख जाएगा, मैं एलो एक्वा जेल से अपने चेहरे की अच्छी तरह से मसाज करूंगी। आप कोई भी जेल ले सकते हैं, एलोवेरा जेल ले सकते हैं। दोस्तों, मसाज करने से चेहरे पर जो है नेचुरल ग्लो आ जाता है, इसलिए 2 से 3 मिनट हल्के हाथ से अच्छी तरह से मसाज कर लीजिएगा अपरवर्ड मोशन में। और दोस्तों, जो है इसे सूखने के बाद मैं क्रीम वगैरह अप्लाई करूंगी। ये 2 क्रीम मैंने ले ली है, एक है VLCC आयुर्वेदा व्हाइट एंड ब्राइट जेल क्रीम और दूसरी है VLCC की ही ग्लैम ग्लो जो आती है स्किन परफेक्टर वार्म बेजिक टिंटेड SPF 30 और PA++ है और दोनों में ही SPF 25-30 है, तो काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है, पैराबिन फ्री है दोनों। तो जो है टीनेजर्स के लिए ये क्रीम बहुत अच्छी होती हैं, इन्हें वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और कोई भी क्रीम अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा टैप 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 कर लीजिए तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। और इसे अपनी फिंगर से ही मैं डैप 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 करके अपनी पूरी स्किन में ऑब्जर्व करा लूंगी। दोस्तों, आप चाहें तो ब्लेंडर वगैरह यूज कर सकती हैं, लेकिन मुझे फिंगर ही कंफर्टेबल होती है दोस्तों। और चूंकि मॉइस्चर वाला मौसम है, उमस है, इसलिए थोड़ा कम मेकअप ही अच्छा रहता है करना। और लिप बाम यूज कर लेती हूँ मैं, ताकि लिप जो है अच्छी तरह से ग्रीस हो जाएंगे मेरे। इस बार मैं जो है लैक्मे का ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा अच्छी मात्रा में मैं कॉम्पैक्ट इसलिए इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, क्योंकि उमस वाला मौसम है तो क्रीम वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा ऑयली ऑयली फेस नज़र आता है। तो अच्छी तरह से इसे पूरे एरिया में अप्लाई कर लूँगी। और ये मेरा पैलेट है और इससे मैं जो है स्किन कलर का ही आई शेडो ले रही हूँ। हल्का हल्का जो लाइट कलर है उन्हीं से मैं मिक्स करके पूरा आई शेडो अप्लाई करूँगी। सभी चीज़ें दोस्तों ऑप्शनल मैं रखती हूँ, आपको जो ठीक लगे आप उसे अप्लाई कीजिए, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप अपनी पसंद का मेकअप कीजिए जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, आप अच्छे लगें। ज़बरदस्ती का मेकअप थोपना और भब्बड़ लगना मुझे अजीब लगता है। और काजल पेंसिल से ही मैं आईलाइनर भी लगाऊंगी, क्योंकि लिक्विड आईलाइनर से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है, मैश नहीं होता है ये। और हल्की से अपनी आईब्राउज सेट करूंगी, क्योंकि मेरी आईब्राउज हल्की है तो ओवर दिखने लग जाती है, इसलिए मुझे उसे ब्रश से सबसे ठीक करना पड़ता है। और हल्का सा मैं बाद में उसमें ग्लिसरीन यूज़ कर लेती हूँ दोस्तों, और ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। मैं हर मेकअप लुक में बोलती हूँ, मुझे ये यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, इससे एक अजीब सी शाइनिंग आ जाती है चेहरे पर। और इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी, हल्का हल्का ब्लशर वगैरह सभी मैं बहुत हल्का हल्का लाइट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये डे मेकअप लुक है इसलिए सभी चीज़ों को लाइट रखना है। और फिंगर की सहायता से मैं इसे सेट कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं लाइट ब्राउन कलर का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और टीनेजर्स के लिए बहुत डार्क शेड मैं अलाउ नहीं करती हूँ, मुझे भी अजीब लगता है देख के, तो ये लाइट कलर है। अब जल्दी से हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। मेरे बाल गीले हैं इसलिए पसीने की वजह से, तो जो भी सूटेबल लग रहा है मैं फटाफट कर लेती हूँ। और मुझे मैचिंग बैंगल्स पहनना या मैचिंग कड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, और कपड़े कैसे भी हों, सिंपल हों, लेकिन अगर हम ये सारी ज्वेलरी अप्लाई कर लेते हैं, पहन लेते हैं, तो हमारा जो है लुक अलग हो जाता है दोस्तों। और ये इयररिंग्स मैंने मीशो से मंगाए हैं और इन्हें मैं जो है अपनी ड्रेस के साथ पहन लेती हूँ, और ये ड्रेस भी मैंने मीशो से ही मंगाई है। काफ़ी अच्छा कपड़ा है, काफ़ी सॉफ्ट है दोस्तों। तो ये मेरा मेकअप लुक बनकर तैयार हो गया है। एक छोटी सी बिंदी अप्लाई कर लूँगी मैं, और आप चाहें तो स्टोन बिंदी भी अप्लाई कर सकती हैं।
मैं दोनों अप्लाई कर लेती हूँ। तो ओवरऑल ये मेरा मेकअप लुक है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।